कोरोना काल में लॉकडाउन के दौर से ही बंद रेल म्यूजियम सह हेरिटेज प्लाजा को रेल प्रशासन द्वारा मंगलवार से आम जन के लिए खोल दिया गया है। म्यूजियम खुलते ही लोग घूमने के लिए म्यूजियम पहुंच गए और जमकर लुफ्त उठाया। यह म्यूजियम जनता के लिए दोपहर 2 बजे से सायंकाल 7 बजे तक ही खुल रहा है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल म्यूजियम में साफ सफाई के साथ COVID-19 के मद्देनजर सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का टेम्परेचर लिया जा रहा है तथा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। रेल म्यूजियम में आगंतुकों को मास्क लगाना नितांत अनिवार्य है। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर घंटे अधिकतम 50 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। खान पान हेतु केवल ओपन रेस्टोरेंट को ही खोला गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए म्यूजियम देखने आए दर्शकों एवं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, चौरानवे छः कितना टिकट है, 95 एक प्रति और तुम्हारे ट्रेन का 10 रुपया। वहाँ पे चले न्यूज में दिखाया जाएगा, वहाँ पर अच्छे खेल कौन से न्यूज में। घूमने हैं झूला झूले बहुत सारे। एंट्री के दौरान क्या किया गया एंट्री जब ले आ, तो पैसा लिया, पैसा टिकट दिया गया है, फिर फोटो नाम लिखा है, मोबाइल नंबर दिया गया, सैनिटाइजर लगाया, कोरोना पॉजिटिव नहीं है इसमें। मेरा नाम है शिप्रा सिन्हा, हम लोग झारखंड से आए। क्या क्या देखने यहाँ पे, क्या ऐसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा? हाँ चला, म्यूजियम तो बहुत अच्छा था, हम लोग सोचे नहीं थे उतना पुराना ये नेहरू जी लोग का सब कुछ था, हम देख लिए। अभी आई कोरोना का प्रोटोकॉल का जो गेट लगा हुआ है, चेकिंग हो रहा है, इस तरह का आपके साथ हुआ है चेकिंग और सैनिटाइजर? नहीं हाँ सर, वो सब तो चेकिंग हुआ है और हम लोग पर्सनल गाड़ी से आए थे। नहीं हम भी अंदर जब आई हैं। हाँ हाँ वहाँ भी चेकिंग हुआ है म्यूजियम के अंदर ना। हाँ यहाँ चेकिंग हुआ है हम लोग का। मैं लखनऊ से आई हूँ, मुझे आज रेल म्यूजियम में आके बहुत अच्छा लगा और ये फर्स्ट डे है आज रेल म्यूजियम खुला है और बच्चे भी बहुत काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और लॉकडाउन के बाद से पहली बार ये खुला है, इसलिए हम सब लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई हूँ मैं, जब भी आती हूँ रेल म्यूजियम ज़रूर आती हूँ, यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। उत्कर्ष गुप्ता, हम बहुत दिनों बाद गोरखपुर आए हैं, यहाँ पे रेल म्यूजियम में आके हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के हम लोग झूले झूल रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अजय कोता, मैं कानपुर से आया हूँ, बहुत एंजॉय हो रहा है, हम लोग म्यूजियम में आए हैं, ठंडा चुमा अच्छा लग रहा है, म्यूजियम में बहुत मजा आ रहा है। कहाँ रहते हो? गोरखपुर में। गोरखपुर यश कुमार कुमार रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका गुप्ता है। कोरोना के बाद इतने दिन बाद रेल म्यूजियम खुला है, यहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय किया जाता है, काफ़ी मास्क चेकिंग चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब बहुत अच्छा है, सैनिटाइजिंग भी हो रही है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं।
रेल म्यूजियम में कई सुधार किए गए इस दौरान, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि कई पार्क वगैरह गाइडलाइंस जब रिलैक्स हुई हैं उसके हिसाब से खोले गए थे, तो उस दौरान रेल म्यूजियम में जो टैप्स वगैरह थे उसको पैडल ऑपरेटेड बनाया गया, जिससे कि पैर से ही ऑपरेट करके उसको हैंड फ्री बनाने के लिए उसको किया गया। जो एंट्री गेट है वहाँ सैनिटाइजर वगैरह का भी अरेंजमेंट किया गया है। करेंसी डिजिटलाइजेशन के लिए भी एक इक्विपमेंट वहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जगह जगह उसका जो है स्टिकर वगैरह भी लगाया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक बार में एक घंटे में 50 लोगों से ज़्यादा की एंट्री नहीं दी जाएगी, इसको लोगों को हतोत्साहित किया जाएगा कि कम से कम लोग जाएँ, भीड़ भाड़ ना करें वहाँ पर, और साथ ही साथ जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाना अनिवार्य है, हैंड हाइजीन का लोग ख्याल रखें। ये सभी चीज़ें हम लोग आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि ये सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं या कहीं इधर उधर थूकते हैं तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पूरा पालन करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए रेल म्यूजियम में भ्रमण करने का आनंद उठाएं। सर, कैंटीन को लेकर के क्या है वहाँ पे, जो कैंटीन चाय पार्टी दुकान है, जो भी क्लोज्ड कैंटीन थी जैसे जो एसी रेस्टोरेंट था उसको बंद रखा गया है, ओपन कैंटीन को खोला गया है, वहाँ सारी चीज़ों को सर्व करने के लिए जो भी फूड आइटम्स हैं वो प्रॉपर हैंड ग्लव्स और वो सारी चीज़ें पहन के ही सर्व करेंगे वहाँ पे लोग। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर्स रखे गए हैं, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है रेलवे की तरफ से। इन साथ ही साथ मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि आप लोग खुद जो है अवेयर रहें और एज पर प्रोटोकॉल क्या सही है क्या नहीं है उसके अनुसार जो है आप उसका पालन करें।